नमस्कार बहनों और भाइयों, आज के इस ज्वाइंट स्टडी के नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट इत्यादि की बातें करेंगे। तो आज जैसा देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से सेंसेक्स बहुत बुलिश था। आपने देखा कि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई चला गया, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहा था। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इधर कुछ दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी तो कंसोलिडेशन में है, लेकिन पीएसयू सेक्टर्स रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। कई कंपनी में 10%, किसी में 8%, किसी में 12% की तेज़ी है। विशेष करके पीएसयू डिफेंस, पीएसयू रेलवे, पीएसयू पावर या पीएसयू इंफ्रा में, इन सब में आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कि मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ कि पीएसयू सेक्टर को अब कभी न छोड़े आप। जब जब डिप आए आप उसमें खरीदारी करें और उसमें अच्छा पोजीशन बनाएं, और जब कुछ लंबी दूरी तक चल जाए वो शेयर, जैसे मान लीजिए आपने 1000 का शेयर खरीदा, आपके पास 1 लाख ही था, तो शुरू में आपने 8 शेयर खरीदा, फिर वो 1000 का बढ़ते बढ़ते 1500 तक होता है, उसका फिर एक डिप आती है, वो 1200 तक गिरता है, बस 1200 पर आपने फिर 5 शेयर खरीदा, इस फिर वो 1200 से बढ़ता बढ़ता 2000 जाता है। तो जब 2000 चला गया तो आपके पास 13 शेयर हो गए, तो 2000 पर आप 3 शेयर काट लीजिए प्रॉफिट बुकिंग में। फिर कभी डाउन होगा तो खरीदा जाएगा ना, तो वो प्रॉफिट आपकी नहीं, लेकिन निकलना नहीं है पीएसयू सेक्टर से, और आपको निकालने की साजिश चल रही है। आप पूछेंगे ये साजिश कैसे चल रही है? आपने पिछले 10 दिनों में देखा होगा कि रोटेशन वाइज सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर दूसरा सेक्टर चल रहा है। जैसे कभी प्राइवेट बैंकिंग चला, प्राइवेट बैंक के बाद फिर आपका चल गया आईटी, आईटी के बाद फिर कोई दूसरा सेक्टर चल गया, एफएमसीजी चल गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स, कभी प्राइवेट ऑटो चल गए, प्राइवेट सेक्टर्स चलता जा रहा है। 2 दिन की तेज़ी रहती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर 2 दिन की दूसरे में आई तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो जो कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, या कमज़ोर मतलब ये नहीं कह रहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिनको लगता है कि नहीं नहीं प्राइवेट चल रहा है आप उधर जाना चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट चलेगा तो आपके इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है पीएसयू में, तो पीएसयू के शेयर्स वो बेच देते हैं और दूसरे शेयर्स को खरीद लेते हैं। जैसे कभी इंफ्रा खरीद लिया, आईटी खरीद लिया, प्राइवेट बैंक खरीद लिया, या एफएमसीजी खरीद लिया, उधर का खरीद लिया और इधर से निकल गए। अब इधर से निकल गए तो ऐसा होने पर 1-2% कंसोलिडेट हो जाता है पीएसयू सेक्टर, कभी कभी 5% भी कंसोलिडेट हो जाता है, और ये उनको मौका मिल जाता है एफआईआईज को, वो फिर रिटर्न होके वहाँ से जो बढ़ रहा था 2 दिन से जो कोई सेक्टर, उस सेक्टर से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, पीएसयू में लगा देते हैं। आप तो बाहर निकल गए, उन्होंने पीएसयू खरीदा और अब यहाँ स्थिर हो गए। इस तरीके से रोटेशन के साथ ये गेम चल रहा है, तो इसको पहचानिए और रोटेशन में मत फंसिए। आप पीएसयूज में बने रहिए, विशेष करके डिफेंस में, रेलवे में, पावर में और इंफ्रा में, इसमें बने रहिए और आप दूसरे शेयर्स में अभी न जाएं। अब देखिए जो लोग नहीं गए अभी इसमें बुलिश हैं, अभी 10% अभी कोचिंग शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक्स हो, एचएएल हो, बीडीएल, ये सब मिधानी, ये सब कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी इसमें पैसा लगाए रखिए और जब जब डिप आए पैसा इसमें डालते रहिए, और जब अच्छा खासा बढ़ जाए तो 30% बुक कर लीजिए प्रॉफिट, फिर उस प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हैं, अपने कामों में ला सकते हैं, और फिर जैसे ही कंसोलिडेट होता है पीएसयू सेक्टर का कोई भी क्षेत्र, 5%, 7%, बस आप उसमें फिर पैसा लगा दीजिए।
तो लेकिन पीएसयू सेक्टर से निकलिए नहीं, इसका ये होगा कि आपके 50-60% पैसे पीएसयू सेक्टर्स में हमेशा लगे रहेंगे और ये पीएसयू सेक्टर सभी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जो आपको बीडीएल अभी आज शायद 1700 के पार निकल गया है, ये आने वाले 2 साल में 5000 भी टच कर सकेगा। जो एचएएल अभी 5500 है, आने वाले 2 साल में ये 10,000-15,000 भी जा सकता है। इसलिए 50% पैसा इसमें रहने दीजिए। ऐसा मतलब मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा, ये मेरे विचार है और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई दबाव आप पर नहीं है। लेकिन पीएसयू रेलवे में, पीएसयू डिफेंस में, पीएसयू इंफ्रा में और पीएसयू पावर में यही नियम मैं चला रहा हूँ। और फिर 30% कभी कभी 40% भी प्रॉफिट बुक करते हैं, कहीं पर कोई काम रहा निपटाया फिर पैसा लगा दिया इसमें, कभी भी डाउन पर। लेकिन 50-60% हमारा हमेशा लगा ही रहता है पीएसयू सेक्टर में, उससे मैं बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह की पॉलिसी लोगों को अपनानी चाहिए अपनी सुविधा के हिसाब से, यदि उनको लगे तो, मेरा कोई दबाव नहीं है। और लोग कुछ भी कहें, लोग विदेशी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको लगता है कि मैं जो कहूँगा वही होगा और वही होना चाहिए इस देश में, मेरे विचार से देश को चलना चाहिए। तो भैया देश तो लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, किसी के व्यक्तिगत विचार से तो चलेगा नहीं। अभी सावधानी बरतिए, इसमें बरतिए उसमें बरतिए, कुछ नहीं है भैया, कोई बबल कह दे कोई कुछ कह दे, मैं उन चीज़ों को मानता ही नहीं। जो लोग जब बीडीएल 700 था, जब बीडीएल 400 था, उसमें बबल बबल चिल्ला रहे थे, आज तो बीडीएल 1700 है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब उनको एक नई तरकीब सूझी होगी या जो हो, मुझे उनसे मतलब नहीं है। लोगों को अपने दिमाग से ये कूड़ा निकालना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, रिटेलर जो है, उनको कोई अकल नहीं होती। सच्ची बात तो ये है कि आज यदि FIIs पिटे हैं तो रिटेलर की ही बदौलत पिटे हैं, ये उन्हीं की अक्ल का नतीजा है, क्योंकि आपकी अक्ल में इतना हिम्मत नहीं था कि FIIs पिट जाए और फिर भी वो लालच बनाए रखें भारतीय शेयर मार्केट में पैसा बनाने का। यानी आपसे बेहतर तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अकल है, समझ गए? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसलिए खुद को ओवर वैल्यूड, जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक हों या आप कह सकते हैं विदेशी ब्रोकरेज एजेंसी हो, रेटिंग एजेंसी हो, ये सब खुद को ओवर वैल्यूड कर चुकी है। जो मन में आता है बोलती है, उनका उसका असर तो आपने देख लिया भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय शेयर मार्केट में, कुछ है तो नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था अपनी गति से गतिमान है, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र यदि 8-11% प्रति वर्ष के हिसाब से डेवलप कर रहा है तो कर रहा है, उनके बोलने से तो कुछ होता है नहीं। तो उनके बोलने वो वाली बीमारी भारत के जो अपने आप को पुरोधा समझते हैं उन लोगों को भी लगने लगे तो उनका भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ है, बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए कौन क्या बोलता है नहीं बोलता उस पर नहीं जाना है, अपने स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो करेंगे। मैं तो कर रहा हूँ उस स्ट्रेटजी पर काम और मुझे उस स्ट्रेटजी में सफलता मिल रही है, और मैं समझता हूँ मैं ही कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ही कोई वो स्ट्रेटजी नहीं बना रहा हूँ। मुझे तो लगता है प्रायर रिटेलर यही स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इससे अच्छा भी स्ट्रेटजी बनाते होंगे, तभी तो जो FIIs पिटे हैं उनके मन में लालच भी है, रहना भी भारत में है, भारत के शेयर मार्केट में पैसा भी लगाना है, और अब वो बेस पर उनको शेयर मिल नहीं रहा है उनके पसंद का शेयर, तो वो एक चक्रव्यूह रच रहे हैं, लेकिन उस चक्रव्यूह में कोई फंस नहीं रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। अंत में इसी पीएसयू सेक्टर में वो हाई लेवल पर ही पैसा लगाएंगे, चाहे जितनी देर में लगाएं उतने ऊँचे लेवल पर लगाएंगे।
अभी तो वो रैली हमारे पीएसयू सेक्टर की बाकी है, जब एफआईआई चारों तरफ से आएंगे और सिर्फ पीएसयू में ही पैसा लगाएंगे, क्योंकि हम यदि पीएसयू में पैसा लगाते हैं तो वो डायरेक्ट राष्ट्र के विकास में जाता है। हालांकि किसी भी जगह पैसा लगाते हैं, किसी भी कम हम टाटा का लें, अडानी लें, कोई भी लें, सब राष्ट्र के विकास में जाता है, लेकिन पीएसयू डायरेक्ट जाता है। वैसे सब राष्ट्र के, किसी को आप कह नहीं सकते कि वो राष्ट्र के विकास के लिए काम नहीं करे, और अच्छी अच्छी कंपनियों के भी शेयर उठ रहे हैं। यदि यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुक करता हूँ मैं, तो अच्छी अच्छी कंपनियों में भी लगाता हूँ, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुक करता हूँ, इधर गिरता है, पीएसयू में लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में जा रहा है तो प्राइवेट बैंक उठ रहा है, इस बीमारी से मैं ग्रसित नहीं हूँ। उधर भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, टाटा है, महिंद्रा है, ऑटो में आप देख लीजिए, अच्छे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है। एफआईआर के चक्रव्यूह से उन्हीं को गिराना है, ऊपर उठता हो खरीद लीजिए, उनके निकलने से पहले खुद निकल जाइए, एक छोटा टारगेट उसमें सेट करके रखिए। मैं तो यही करता हूँ, बाकी आपको जो सुविधा हो जैसे हो वैसे करें। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्वतंत्र है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि यदि आप इस वीडियोस को देखते, हमारे वीडियो के श्रृंखला को देखते हैं, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी करवाइए, अपने इष्ट मित्रों को भेजिए। और आप ऐसा कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके प्रश्न आने लगे हैं मगर अभी बहुत कम आ रहे हैं, तो आप प्रश्न पूछें, ताकि अर्थव्यवस्था के भी किस विषय पर बात करना है, शेयर मार्केट के किस विषय पर बात करना है, लॉजिस्टिक्स के किस विषय पर बात करना है, ये मुझे तय करने में आसानी। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।